हिंदी साहित्य में बहुत बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि न्यू एज राइटिंग में इतना गंभीर काम भी नजर आ सकता है। जी हाँ, अमीश त्रिपाठी ने 3 ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक अलग डायरेक्शन दिया और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर किया कि पल्प फिक्शन अपनी जगह है, गंभीर लेखन अपनी जगह है। अमीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। और जिस तरह से हम उस ट्रायलॉजी को देखते हैं, जिस तरह का असर उसने कायम किया, आज जब आप इन नए किताब के कवर लॉन्च पर मौजूद हैं तो उन 3 का जिक्र खास हो जाता है। एक शुरुआत उन्होंने दी थी, क्या कुछ याद आता है? बहुत कुछ। अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लेखक बनूंगा। जब बचपन था मेरा, मतलब मैं सोचता था इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा शायद, या यू नो वो एक सपना था, या डॉक्टर बनूंगा, या पता नहीं क्या क्या साइंटिस्ट, लेकिन लेखक बनूंगा ये कभी नहीं सोचा था मैंने। तो शिवजी की कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है, बस मैं उनका आशीर्वाद का आनंद ले रहा हूँ बस। भोलेनाथ, मस्त मलंग और बनारस या काशी, हर तरफ जो माहौल होता है वहाँ लोग ऐसे मस्त मलंग, क्या कभी काशी भी गए भोलेनाथ को इस तरह समझने के लिए? अरे मेरे जड़ें काशी में हैं। मेरे बाबा जो थे, मेरे पिताजी के पिताजी, वो पंडित थे बनारस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स। और मेरे जो पिताजी हैं उनने भी BHU में पढ़ाई की थी। तो भाई ये जो धर्म का जो वातावरण है वो हमारे बाबा ने, हमारे पूरे परिवार में मेरे बाबा ने बनाया था। मेरे माता पिता भी बहुत धार्मिक हैं और हम लोग में, हमारे परिवार में ये भी है कि भाई वो इसे आप कह सकते हैं जैसे ज्ञान योग, कि भाई ज्ञान के लिए बहुत मोहब्बत है हमारे, हम लोग बहुत पढ़ते हैं। हर किसी के घर में कम से कम 1000 किताबें हैं, किताबों के ऊपर चर्चा होता रहता है। तो ये जो वातावरण है हमारे परिवार में वो बहुत बढ़िया है। शायद मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं ऐसे परिवार में मेरी पैदाइशी हुई। जिस तरह से अमीश हम देख रहे हैं कि अब एक तरह से एक्साइटमेंट आपकी इस नई किताब के कवर लॉन्च से ही नज़र आ रहा है, अक्षय कुमार ने लॉन्च किया, किस तरह से देखते हैं राम राज्य की कल्पना आज के दौर में? और आपने जिस श्लोक का जिक्र किया वो बहुत कुछ कहीं ना कहीं किताब के बारे में बता रहा है, ये ख्याल, ये विचार कहाँ से आया? देखिए, मेरे किताब में मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करूँगा ये आज कि जो समाज का जो ढांचा है आज, अगर उसको सुधारना है तो कैसे सुधारने, और जो चॉइसेस जो हैं वो इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि हर चीज़ हर पहलू का कुछ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो इसके बारे में मैं कुछ फ़लसफे रख रहा हूँ अपने किताब में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है ये गलत है, मैं कुछ फ़लसफे लग रहा हूँ इसके बारे में, हमें सोचना चाहिए। और भगवान श्री राम को सब लोग पूछते हैं, राम राज्य सबको मालूम है, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि भाई राम राज्य है क्या, कई लोग ने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो मैं ये लोगों को मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इस विषय के बारे में कम से कम सोचना तो चाहिए कि राम राज्य है क्या, हम उनकी इतनी पूजा क्यों करते हैं, राम राज्य कैसा होना चाहिए। अमीश, राम राज्य की बात हो रही है और हमने आपकी किताबों में देखा कि जिस तरह से आपने एक आम इंसान के देवता बनने के पूरे सफ़र को बड़ी बारीकी से उसका विश्लेषण किया और उसे एक कहानी नुमा ढांचा दिया, कई बार आलोचना भी होती होगी, हुई है आलोचना? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि रिलीजियस ग्रुप से नहीं, कई बार किताबों को लेकर भी होता है कि इस तरह से आपने जो सोचा। इंडिया में बिल्कुल नहीं हुआ है, मेरी भगवान की कृपा से मेरी किताबें के करीब 22 लाख कॉपियां बिक चुकी हैं, अभी तक कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है, कुछ प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। काफ़ी धार्मिक संस्था के जो लोग हैं वो मुझे लिखते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है कि भाई उनके जो पोते हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो मेरी किताब पढ़ के धर्म की तरफ उनकी रुचि हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा जो वर्जन है वो ऑफिशियल वर्जन है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं धार्मिक इंसान हूँ, मुझे अपने धर्म पे बहुत गर्व है, लेकिन ये मेरा नज़रिया है अपने धर्म को देखने का। और इसका अलाउंस है हमारे धर्म में, इसकी ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में ये नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आज के तारीख में, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, जो रामायण की जो कहानी लोगों को मालूम है वो एक्चुअली रामचरितमानस है, जो वाल्मीकि रामायण से कई हद तक
काफ़ी मतलब बदलाव लाया है संत तुलसीदास जी ने उसमें। इतने वर्जन हैं रामायण के, साउथ में कंवर रामायण है जहाँ पे रावण के अच्छी बातों का भी जिक्र किया गया है। हीरो तो ऑफकोर्स लॉर्ड राम है लेकिन रावण की अच्छी बातों का भी जिक्र किया गया है। अद्भुत रामायण है जो करीब 800-900 साल पुरानी है जिसमें मेन रावण को सीता माँ ने मारा, ठीक है। तो इतने वर्जन्स हैं इसकी, मतलब ये अलाउ है हमारे धर्म में। और मेरे हिसाब से लिबरलिज्म और रिलीजियोसिटी हमारे इंडिया में एक साथ घुल मिल के रहता है। ये विदेश जैसा, जैसे दूसरे देशों में होता है कि भाई धर्म के नाम पर मतलब सब सोचना बंद कर दो या धर्म के नाम पर बस मारकाट करते रहो, ये हमारे इंडिया की परंपरा नहीं है। अगर कुछ हो रही है तो हमारे परंपरा के विरुद्ध है। बिल्कुल अमीश, मौजूदा दौर में बहुत बहस चल रही है धर्म को लेकर, फिल्में हों या फिर साहित्य, हर तरफ एक अलग तरह की बहस होती है और उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट इस पर हावी हो जाते हैं। क्या मानते हैं, एक तो गलत तो है इसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये जो दौर है इसमें धर्म पर इस तरह का बखेड़ा कितना जायज़ मानते हैं कि किसी चीज़ को लेकर इतना कुछ हो अल्लाह मचे? देखिए, चर्चा और बहस में कुछ गलत बात नहीं है। हमारे देश में तो शास्त्रार्थ की तो मतलब परंपरा सदियों से चली आ रही है। गलत बात वो समय होगा जब हम हिंसा पे उतर आए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं बड़ा देशभक्त हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ देश में अच्छी है, लेकिन बहुत चीज़ें बहुत अच्छी है हमारे देश में। और एक बात ज़रूर कहना पड़ेगा कि हमारे देश में किताब के नाम पर कोई AK-47 लेके आपके घर पे नहीं आ जाता है। वो फ्रांस में होता है, वो सऊदी अरेबिया में होता है, वो अमेरिका में भी होता है, हमारे देश में नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पोस्टर जल जाएगा, कुछ ग्लास टूट जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ अच्छा है हमारे देश में, लेकिन बहुत बहुत अच्छी बातें हैं जिसपे हमें गर्व करना चाहिए। धर्म, ये किताबों के नाम पर इतनी बुरी हिंसा हमारे देश में नहीं होती है। तो मुझे मालूम है कि ये मतलब ये एटमॉस्फेयर बन गया है कि भाई हमारे देश में आर्टिस्ट अटैक में है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि मेरी किताबों के ऊपर कुछ अटैक नहीं हुआ है। और 95% में, आप बुरा मत मानिए, लेकिन 95% ऑफ द टाइम में कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी की जाती हैं मीडिया के द्वारा, फ्रेंकली। और अगर मैं कॉन्ट्रोवर्सी से दूर भागता हूँ, क्योंकि मैं खुद शिव भक्त हूँ, मैं प्राउड हिंदू हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे धर्म की आलोचना कर रहा हूँ, बस अपने धर्म पर गर्व करता हूँ। और अगर मैं मतलब दिमाग से, दिल से, कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ तो कंट्रोवर्सी नहीं होता है। 99% तो मैं बोलूँगा कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है, एक्चुअल नहीं होता है। अमीश, किताब पर फिर लौटते हैं, जिस तरह से इस किताब को लॉन्च किया गया है और जिस तरह का कवर देख रहे हैं, कवर लॉन्च है किताब अभी, किताब में राम राज्य एक अंश दिख रहा है, बहुत सारी बातें और होंगी। क्या इस बार भी हम भगवान श्री राम का सफ़र वही देखेंगे, एक आम इंसान से देवत्व को प्राप्त करने वाले इंसान का सफ़र? वो तो वैसे वाल्मीकि रामायण में भी वही सफ़र रहा है उनका। वाल्मीकि रामायण में आप बालकांड या उत्तरकांड को अगर हटा दें तो मतलब वो इंसान ही है वाल्मीकि रामायण में, इंसान जिनको देवत्व प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे परिवार में हम ऑफकोर्स शैवाइट फैमिली हैं, लेकिन हम लोग राम भक्त भी बड़े रहे हैं। मेरे बाबा बनारस में ब्रह्मघाट जाते थे हर संडे को, वहाँ पे रामचरितमानस पढ़ते थे और उसका उच्चारण करते थे मुफ्त में। हम लोग मतलब कुछ अमीर परिवार के नहीं हैं। मेरे पिताजी हरदम बाबा को कहते थे, यार जाके ट्यूशंस करिए, कुछ पैसा लाइए घर में, और वो कहते थे नहीं, हमारे भगवान की बात करने में मतलब उनको अच्छा लगता है और देश का भी भला होता है। मैं बस वही प्रयत्न कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे हिसाब से हम राम जी से बहुत सीख सकते हैं, भगवान श्री राम से हम बहुत सीख सकते हैं। मैं बस उनके बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ये चर्चा है और जिस तरह से आपने जिक्र किया, रामायण अपने आप में बड़ा विस्तार लिए हुए हैं, छाया सीता, बहुत सारे और भी प्रकरण आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस न्यू एज जो रीडर्स हैं उनके लिए एक मौका होगा करीब से जानने का। प्रयत्न तो यह रहेगा, अब मैं उसमें सफल रहूँगा कि नहीं ये तो शिव जी और राम जी के ऊपर है, लेकिन प्रयत्न तो वही रहेगा। आपका प्रयत्न जारी रहे और आपकी मुस्कान यूं ही बरकरार रहे, वैसे ही बेहतरीन साहित्य देते रहें, अच्छा साहित्य देते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं आपको हो। तो अमीश त्रिपाठी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उनके विचार हैं और उनकी थिंकिंग है तमाम धर्म को लेकर, उनका जो विश्लेषण है, उनकी जो परवरिश है, उन सबको उन्होंने इस किताब में समाहित किया और उम्मीद करते हैं कि ये प्रयत्न उनका सफल हो। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत पांडे, ETV News, मुंबई।